लॉगरिथम, एक्सरसाइज वन, एक्सरसाइज वन, क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 21 मैं लिख देता हूं. प्रूव दैट लॉग 24, लॉग 24 बेस 2 अपॉन लॉग 2 बेस 96 माइनस लॉग 192 बेस 2 लॉग 2 बेस 12. बेटा प्रूफ करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3. ओके अब देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप एलएचएस पार्ट को कंसीडर करेंगे, और मैंने सिखाया कि जब भी आप लॉग के एक्सप्रेशन देखते हैं तो बेस सेम बनाया करो. सबसे पहले हम बेस सेम बनाएंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां बेस क्या है 2 और यहां नंबर क्या है 2. यदि मैं इस लॉग को न्यूमरेटर में ले जाता हूं तो नंबर हो जाएगा 96 और बेस हो जाएगा 2. तो बेटा एक एक एक्सप्रेशन को हम रिड्यूस करेंगे. पहले इसकी बारी. ओके क्या मैं इसको ऐसा अरेंज कर सकता हूं, देखें लॉग 24, लॉग 24 बेस 2 डॉट लॉग 96 बेस 2. बेटा इसमें मैंने प्रॉपर्टी लगाई बेस चेंजिंग फार्मूला. ओके तो जब लॉग ऊपर जाता है, बेटा जब भी हम लॉग को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करते हैं तो नंबर बेस पर और बेस नंबर पे, तो क्या मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूं बेटा, ये वाला स्टेप क्लियर है. अब देखिए आप बेस मैंने सेम बना दिया, इसी तरीके से यहां भी हम इसको भी लिख देते हैं बेटा लॉग 192 बेस 2 डॉट लॉग 12 बेस 2. बेटा इस लॉग को भी हम न्यूमरेटर में ले गए. ओके जब लॉग को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो नंबर बेस पर और बेस नंबर पर, नंबर पर बाय बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग थ्योरम. ओके बेस चेंजिंग थ्योरम से हम इसको न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं. अब आप मुझे बताइए, आप ध्यान से देखिए हर जगह बेस सेम है. ओके यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है. अब देखिए अब टारगेट क्या है कि नंबर को स्प्लिट करना, 24 बेस 2 डॉट लॉग, बेटा 96 को मैं लिख रहा हूं 24 डॉट 4. ओके बेस 2 आप बताइए मुझे ये इंटू है, और बेटा इंटू किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, और इसको एज इट इज नो चेंज. तो इसके बाद मैं यहां लिखता हूं लॉग 24 बेस 2 डॉट, बेटा इसमें मैं लगा रहा हूं प्रॉपर्टी लॉग एम एन, तो क्या होगा लॉग 24 बेस 2 प्लस लॉग 4 बेस 2. ओके बेटा इंटू कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में बाय प्रॉपर्टी लॉग एम एन, क्या होगा लॉग एम प्लस लॉग एन. अब आप देखिए लॉग 24 बेस 2 लॉग 24 बेस 2 प्लस, बेटा 4 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2, और बेटा 2 की पावर 2 में 2 आगे जाएगा क्योंकि मैंने सिखाया कि जब नंबर पे पावर होती है तो आ गया कि मल्टीप्लाई. अब आप मुझे बताइए लॉग 2 बेस 2, लॉग 2 बेस 2 क्या होगा बेटा 1. ओके तो फाइनली ये क्या आ गया लॉग 24 बेस 2 लॉग 24 बेस 2 प्लस 2. बेटा ये है फर्स्ट एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म. फर्स्ट एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म है लॉग 24 बेस 2 डॉट लॉग 24 बेस 2 प्लस 1, सॉरी प्लस 2. अब सेम इस नंबर को भी हम 24 में रिड्यूस करेंगे. देखिए 192 को क्या लिखेंगे बताइए, स्प्लिट करो इन टर्म्स ऑफ 24. 24 इंटू वेरी गुड माइनस लॉग 24 डॉट 8 बेस 2 इंटू लॉग 12 बेस 2 एज इट इज नो चेंज. बेटा अब ये इंटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा 24 इंटू 8, ये प्लस में. अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करो जल्दी, सेकेंड टर्म आप सॉल्व करेंगे, ये पूरा रिड्यूस करें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें. अब देखिए इसको मैं कंटिन्यू करता हूं लॉग
24 बेस 2 प्लस log 8 बेस 2 इंटू log 12 बेस 2। ओके, अब आप मुझे बताइए बेटा 24 को मैं लिख रहा हूं log 12 इंटू 2, ओके बेस 2, और बेटा 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, और 3 फंडामेंटली बाहर, बेटा 2 की पावर 3 लिखा, 8 को लिखा 2 की पावर 3, और 3 आगे जाएगा और log 2 बेस 2 1, दैट इज 3 इंटू log 2 बेस 12, log 12 बेस 2। ओके, अब ये इंटू किस में कन्वर्ट होगा बेटा, प्लस में, तो log 12, log 12 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2 1, 1 प्लस 3 इंटू log 12 बेस 2, 1 प्लस 3 4। अब इसको मैं यहां ले जाता हूं, माइनस ऑफ, माइनस ऑफ log 12 बेस 2 प्लस 3 प्लस 1 4 इंटू log 12 बेस 2। ओके, इतना नोट कर लें आप बेटा, इसके बाद मैंने ये वाला स्टेप लिखा, देन ये, देन ये। ओके, अब आप देखिए, पहले इतना आप नोट कर लें, अब आप देखिए 24 log 24 इंटू log 24, इसको हम लिख सकते हैं बेटा log 24 बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू log 24 बेस 2। बेटा log 24 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस log 12, log 12 बेस 2 का होल स्क्वायर, बेटा मैं इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो माइनस प्लस माइनस 4 इंटू log 12 बेस 2। ओके, अब आप देखिए log 24 को मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 2, 12 इंटू 2, ओके इंटू फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, इंटू फिर कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 12 इंटू 2 बेस 2। बेटा मैं सिर्फ इसी टर्म को सॉल्व कर रहा हूं, इंटू कन्वर्ट होगा प्लस में, इसको लिख सकते हैं log 12 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 log 12 बेस 2 प्लस 1। बेटा ये वाली टर्म क्लियर है, इधर देखिए 12 इंटू 2, 24 को मैंने लिखा 12 इंटू 2 और इंटू कन्वर्ट हुआ बेटा प्लस में, log 12 बेस 2 एज इट इज प्लस log 2 बेस 2 1, log 2 बेस 2 1। अब आप देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें से कॉमन आ रहा है क्या, log 12 बेस 2 प्लस 1, तो अंदर क्या बचा बेटा, log 12 बेस 2 प्लस 1 प्लस 2। जरा सोचो बेटा, ये वाली टर्म मैंने कॉमन ले ली। ओके, तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास, इसके बाद मैं यहां लिखता हूं log 12 बेस 2 प्लस 1 इंटू log 12 बेस 2 प्लस 2 प्लस 1 3। ओके बेटा, अब हम एक काम करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो log 12 बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log 12 इंटू 3, 3 log 12 बेस 2 प्लस, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो log 12 बेस 2 प्लस 3 बन जा 3। ओके, अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा, अब ध्यान दीजिए log 12 बेस 2 का होल स्क्वायर ये प्लस साइन का है और ये माइनस साइन का है, कैंसिल। ओके, और 3 log 12 और log 12 बेस 2, 3 प्लस 1 4, तो ये 4 टाइम्स है और ये भी 4 टाइम्स है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल, तो आंसर विल बी 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 14, बेटा प्रूफ करना है कि a की पावर x माइनस b की पावर y इज इक्वल टू 0, और गिवन है कि x जो है, x इज इक्वल टू log b बेस a कॉमा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ log a बेस b, और साथ साथ गिवन है कि a पॉजिटिव है और b पॉजिटिव है। ओके, और a नॉट इक्वल 1 और b नॉट इक्वल 1, बेटा ये क्वेश्चन नोट करो पहले, तो बेटा ये क्वेश्चन है और ये हमें प्रूफ करना है, दिस आर्टिकल ये जो लिखा हुआ है इसको प्रूफ करना है, और ये गिवन है और ये गिवन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए।
बेटा प्रूफ करना है ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई, क्या मैं ये प्रूफ करूं चलेगा? बेटा दोनों की मीनिंग सेम है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, एलएचएस पार्ट लेके चलता हूं। एलएचएस क्या है बेटा? ए की पावर एक्स। एलएचएस को हम कंसीडर कर रहे हैं, ओके। एलएचएस को हमने कंसीडर कर लिया, अब बस बेटा एक्स के प्लेस पर रखते हैं, ए की पावर एक्स के प्लेस पर रखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ लॉग बी बेस ए, ओके। अब देखिए इसके बाद वाला स्टेप बेटा ध्यान देना, ए की पावर इस नंबर को मैं देखो क्या लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ लॉग बी बेस ए है। ये क्या लिखा है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ लॉग बी बेस ए। क्या मैं इस नंबर को ऐसा अरेंज कर सकता हूं? एक बार सोचो, क्या मैं इस नंबर को ऐसा लिख सकता हूं बेटा? बेटा मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया जैसे 2 अपॉन रूट 2 है, क्या मैं 2 अपॉन रूट 2 को रूट 2 लिखता हूं कि नहीं? 2 अपॉन रूट 2 रूट 2 होता है कि नहीं? तो उसी तरीके से इस नंबर को भी मैं ऐसा अरेंज कर सकता हूं, ओके। आप देखिए बेटा, क्या मैं इस नंबर को थोड़ा सा ऐसा अरेंज करूं तो चलेगा? लॉग बी बेस ए डॉट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लॉग बी बेस ए। बेटा दोनों एक ही है, देखो मैंने इस नंबर को आगे कर दिया और ये नंबर पीछे कर दिया, ओके। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इस नंबर को? एक ही बात है। अब ध्यान दीजिए, ये भी ए है और ये भी ए। मैंने सिखाया था कि जब भी ये दोनों बेस सेम हो, ये दोनों बेस सेम हो तो बचेगा क्या बेटा? बी। तो बी नीचे गिर जाएगा, बी नीचे गिर गया, और ये लॉग कहां है बेटा? डिनोमीटर में। और जब डिनोमीटर से न्यूमीटर में जाता है तो क्या होता है? नंबर बेस पर और बेस नंबर पे, तो लॉग ए बेस बी। अब आप मुझे बताइए बी की पावर, बेटा ये क्या आ गया? लॉग ए बेस बी का स्क्वायर रूट। ये लिखा है देखो, स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ए बेस बी क्या है बेटा? वाई। तो बी की पावर वाई, हेंस प्रूव्ड। देखो ए की पावर एक्स लेके चले थे और बी की पावर वाई आ गया। नोट कर लें इसको, 25 बेटा तीन इक्वेशन दी गई हैं, लॉग एक्स बेस ए डॉट लॉग एक्स वाई जेड बेस ए इज इक्वल टू 48। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन है लॉग वाई बेस ए डॉट लॉग एक्स वाई जेड बेस ए इज इक्वल टू 12। ठीक है, थर्ड इक्वेशन दी गई है लॉग जेड बेस ए डॉट लॉग एक्स वाई जेड बेस ए इज इक्वल टू 84। बेटा ये तीन इक्वेशन दी गई है, ओके, और हमें एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो तीनों इक्वेशन को ऐड करो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इन तीनों को एक बार साइमल्टेनियसली ऐड कर दो। तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है हमको, ओके। तो तीनों को पहले ऐड करो, ऐड करेंगे तो ये वाला फैक्टर कॉमन आ जाएगा। जरा सोचो, तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये वाला फैक्टर कॉमन आएगा, ओके। तो लॉग एक्स वाई जेड बेस ए इंटू, बेटा यहां क्या होगा? लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए प्लस लॉग जेड बेस ए। इतना क्लियर है बेटा? तीनों को मैंने ऐड कर दिया, ओके, और लॉग एक्स वाई जेड कॉमन आ गया। अब आप मुझे बताइए इन तीनों का सम क्या होगा? बोलो 48, 12, 84, जल्दी। 144। वेरी गुड, 144। अब एक काम कीजिए आप, ये प्लस में बेटा, और प्लस किस में कन्वर्ट होता है बेटा? प्लस इनटू में कन्वर्ट होगा, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स वाई जेड बेस ए डॉट, इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स वाई जेड बेस ए। जरा सोचो, ओके, 144 बेटा ये एज इट इज, और इसमें हमने लगा दी प्रॉपर्टी बेटा, ये वाई प्रॉपर्टी, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। अच्छा, प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल होती है जब बेस सेम हो। तो देखिए आप, तीनों में बेस सेम है, ओके। अब आप मुझे बताइए लॉग एक्स बाय जेड, लॉग एक्स बाय जेड, तो क्या हो जाएगा? ये लॉग एक्स बाय जेड का होल स्क्वायर। इसके बाद मैं यहां लिखता हूं, तो लॉग एक्स बाय जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ओके। तो बेटा लॉग एक्स बाय जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी?
लॉग एक्स वाई जेड बेस ए की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 12, ये आ गया लॉग एक्स वाई जेड। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पर दो साइन है बेटा, एक प्लस साइन और एक माइनस साइन, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन तो लॉग एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, लॉग एक्स वाई जेड बेस ए इज इक्वल टू 12। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लॉग एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, तो जैसे मैं 12 यहां रखूंगा तो 48 अपॉन 12 कितना होगा बेटा 4, तो फाइनली हमारे पास क्या जाएगा, लॉग एक्स बेस ए बराबर 4। अब आप मुझे बताओ, लॉग को जब हम रिमूव करते हैं तो मैंने सिखाया कि आरएचएस वाला नंबर बेस की पावर, तो एक ही पावर 4, बेटा एक्स की वैल्यू आ गई एक ही पावर 4। ओके, इसी तरीके से चलो, अब लॉग, अभी हमने लॉग एक्स वाई जेड यहां पुट किया। ओके, अब हम लॉग एक्स वाई जेड यहां पुट करते हैं, इसमें पुट करेंगे तो 12, तो 12 से 12 कैंसिल। ओके, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ध्यान दे रहे सभी, बेटा इसकी वैल्यू क्या है 12 अपॉन 12 1, तो बेटा लॉग बाय बेस ए क्या हो जाएगा बेटा 1, तो y बराबर क्या आएगा बेटा एक ही पावर 1 बाय डेफिनेशन। बेटा ये सब हम कैसे लिख रहे हैं, डेफिनेशन के द्वारा। ओके, अब इसी तरीके से लॉग एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 12 यहां रखेंगे तो 84 अपॉन 12, बताओ 84 अपॉन 12 7। ओके, बोलो तो लॉग जेड क्या हो जाएगा बेटा, लॉग जेड बेस ए बराबर 7, तो जेड बराबर क्या आएगा बेटा एक ही पावर 7। ये लो बेटा, ये आ गया आंसर, एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया। बेटा अभी तो प्लस साइन से आपने निकाला, ओके, अभी एक और साइन है, टेकिंग माइनस साइन। बेटा जब आप माइनस 12 लेंगे, बेटा जब आप माइनस 12 कंसीडर करेंगे, लॉग एक्स बाय जेड बेस ए बराबर क्या लेंगे माइनस 12, और जब आप माइनस 12 कंसीडर करेंगे तो यहां क्या जाएगा बेटा माइनस 4। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, जब आप माइनस 12 रखेंगे यहां तो माइनस 4 आएगा कि नहीं, 48 अपॉन माइनस 12 माइनस 4, तो यहां माइनस 4 आएगा तो यहां माइनस 4 हो जाएगा, सिंपल। तो एक आंसर और आ जाएगा एक ही पावर 4 या एक ही पावर माइनस 4, बोलो। इसी तरीके से यहां क्या होगा, एक ही पावर माइनस 1, और इसी तरीके से यहां क्या होगा, एक ही पावर माइनस 7, फाइनल आंसर। अब आप देखिए एक्सरसाइज टू पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, इफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग बी सी बेस ए कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग सी ए बेस बी कॉमा जेड इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग बेस सी और नंबर है ए बी। ओके, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बेटा ये प्रूफ करना है। ओके, अब आप देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमें प्रूफ करना है। अब आप मुझे बताइए, एक एक नंबर को हम लेके चलते हैं, पहले इस एक्स की बात करते हैं। बेटा एक्स बराबर क्या है 1, बेटा मैं इस 1 को लॉग ए बेस ए लिख सकता हूं, जरा सोचो, लॉग ए बेस ए 1। अब आप मुझे बताइए, लॉग ए बेस ए प्लस लॉग बी सी बेस ए। ओके, अब आप मुझे बताइए, दोनों बेस सेम है देखिए, और जब बेस सेम होता है तो हम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इनटू में, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए बी सी और बेस ए। बेटा एक्स की वैल्यू आ गई लॉग ए बी सी बेस ए। सिमिलरली चलो आप वाई को उठाते हैं, बेटा आप वाई को उठाएंगे तो वाई बराबर क्या है 1, बेटा मैं इस 1 को लिख रहा हूं लॉग बी बेस बी प्लस लॉग सी ए बेस बी,
तो y बराबर क्या जाएगा बेटा, इसी तरीके से हम y में भी प्रॉपर्टी ये लगा देंगे, log m प्लस log n, log mn, तो ये हो जाएगा log abc बेस b, ओके ये आ गया y। बेटा x आ गया हमारे पास log abc बेस a और y आ गया log abc बेस b। इसी तरीके से z, अब हम z को सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं z बराबर log log abc बेस c। जरा सोचो, ओके बेटा मुझे x y z मिल गए, अब आप मुझे बताइए x में बेस क्या है a और y में बेस क्या है b और z में बेस क्या है c। अब आप मुझे बताइए log x में जो है नंबर क्या है, इस नंबर में खूबी है abc, इधर भी नंबर क्या है abc और इधर भी नंबर क्या है abc। यदि मुझे बेस सेम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इधर देखिए यहां नंबर abc है और यहां बेस a है, आप ध्यान दीजिए तीनों में बेस डिफरेंट है बट तीनों में नंबर सेम है, ओके। अब तीनों में नंबर सेम है इसका मतलब है कि यदि मैं बेस सेम बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं इजीली, इस लॉग को मैं पलट देता हूं और बेटा जब लॉग पलटेगा तो नंबर बेस पर और बेस नंबर पे, तो बेटा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन एक्स बराबर लॉग ए बेस एबीसी, ओके। क्या मैं एक्स को ऐसा अरेंज कर सकता हूं, देखे बेटा मैं जब लॉग को ऊपर से नीचे करता हूं तो नंबर बेस पर और बेस नंबर पे, इसी तरीके से वाई को भी पलट देते हैं तो वन अपॉन वाई बराबर क्या लॉग बी बेस एबीसी, और इसी तरीके से जेड को भी पलट देते हैं बेटा वन अपॉन जेड क्या होगा लॉग सी बेस एबीसी, ओके। बेटा मैंने तीनों को पलट दिया, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड। अब आप मुझे बताइए तीनों में बेस सेम हो गए कि नहीं, अब तीनों में बेस सेम हो गए तो एक काम करते हैं तीनों को ऐड कर देते हैं, बेटा इन तीनों को ऐड करते हैं। अब जैसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड। बेटा एलएचएस तो क्या जाएगा, एलएचएस क्या जाएगा, तीनों का सम वन बाय एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब आप मुझे बताइए लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी दैट इज लॉग ए बी सी। जरा सोचो, और बेस सेम है बेटा, बेस सेम है तो पावर, बेस सेम है तो लॉग की प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, और ये लॉग ए है, ये लॉग बी है और ये लॉग सी है और तीनों प्लस में है, तो प्लस किस में कन्वर्ट होगा बेटा, इनटू में। अब आप मुझे बताइए लॉग एबीसी बेस एबीसी वन, ओके तो वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई प्लस वन बाय जेड इज इक्वल टू वन। अब आप जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा बेटा एक्स वाई जेड और ऊपर क्या आएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। बेटा देखो प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, नेक्स्ट स्टेप यही होगी, नेक्स्ट स्टेप यही होगी आंसर। बेटा ये हमें प्रूफ करना था, ओके ये प्रूफ करना था और ये गिवन था, ये तीनों आर्टिकल हमारे पास थे एक्स वाई जेड।